रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच यूक्रेन के भारत में राजदूत ओइगर पोलिका ने भारत से मदद की अपील की है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पोलिका ने कहा कि आज भारत ने ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है और पीएम मोदी ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हैं। उन्होंने अपील की कि पीएम मोदी और भारत को रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 की बैठक बुला ली है तो यूरोपीय यूनियन ने शांति की दुहाई दी। हालांकि पोलिका ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना बहुत ताकतवर है और हमने रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारी सेना ने रूसी टैंकों को ध्वस्त कर दिया है और 5 रूसी विमानों को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि फिर भी संकट के समय भारत को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। पोलिका ने बताया कि भारत लंबे समय से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुआ रहा है और इस समय उसकी जिम्मेदारी है कि इस भयानक युद्ध को रुकवाने के लिए आगे आए और अपनी भूमिका निभाए। पोलिका बताते हैं कि राजधानी कीव के बाहरी इलाके में भी हमारे नागरिक हताहत हुए हैं, कुछ इलाकों में लड़ाई हो रही है। हमारे रक्षा मंत्रालय की जानकारी के अनुसार यूक्रेनी पक्ष ने 5 रूसी लड़ाकू विमानों, 2 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। हमने 2 टैंक और कई ट्रक नष्ट किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।